देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव की 75वीं श्रृंखला के दौरान एससी हॉस्टल अम्बाला छावनी में 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में जिला अम्बाला के लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें उन्हें हरियाणवी डांस, वेस्टर्न डांस, एक्टिंग, मोनो एक्टिंग और गानों की ट्रेनिंग दी गई। इसका समापन अम्बाला के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर राम निवास ने किया। 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यशाला रेखा सरीन कल्चरल प्रोग्राम इंचार्ज के मार्गदर्शन में करवाई गई। इस दौरान केंद्र विभाग के सभी प्रशिक्षक और कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए कार्यशाला की कल्चरल प्रोग्राम इंचार्ज रेखा सरीन ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से आरंभ की गई 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यशाला में जिला के लगभग 70 बच्चों ने भाग लिया है और उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में सिखाया गया है जिससे उनकी प्रतिभा उभर सके। ये कार्यशाला पूरी तरह से निःशुल्क थी और बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी सरकार की तरफ से दी गई। इस कार्यशाला में भाग लेने वाले बच्चों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार का ये एक सराहनीय कदम है। ऐसी कार्यशाला का आयोजन सरकार को लगातार करते रहना चाहिए जिससे बच्चों को प्रतिभा उभर सके। इस कार्यशाला में उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम सिखाए गए जिससे आगे चलकर ये उनके काम आ सके। कार्यशाला के समापन समारोह के मुख्य अतिथि अम्बाला के DSO राम निवास से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित इस 10 दिवसीय कार्यशाला का समापन समारोह में आकर उन्हें बड़ी खुशी हो रही है और बच्चों की उभरी हुई प्रतिभा देखकर वे बहुत खुश हैं। इस कार्यशाला में अम्बाला जिला के लगभग 70 बच्चों ने विभिन्न तरह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है जो उनको आगे जीवन में काफी मदद करेगा। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। नमस्कार सभी दर्शकों, मैं रेखा सरीन, YCO यूथ एंड कल्चर ऑर्गेनाइजर खेल और युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से ये हम अपनी 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यशाला जो हमने लगाई है ये 5 तारीख को शुरू हुई थी, आज 14 तारीख को इसका समापन है। समापन में इनके चीफ गेस्ट हमारे DSO साहब आए हैं और इसमें हमने बच्चों को अलग अलग विधाओं में ट्रेनिंग दी है जैसे हरियाणवी डांस, पंजाबी, वेस्टर्न, सिंगिंग और सरस्वती वंदना और मतलब काफ़ी कुछ हमने बच्चों को इसमें तैयार कराया जो बच्चे समापन पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये बच्चे सारे अम्बाला से आए हैं, जहाँ जहाँ जैसे जिस जिस बच्चों को पता लगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में दिया था हमने, जिस जिस बच्चे को पता लगा वो आया, क्योंकि हमारे 50 बच्चों की वर्कशॉप थी, करीबन 70 बच्चे हैं हमारे पास, तो हमने सबको इंटरटेन किया, किसी को मना नहीं किया, सबको हम प्राइज़ भी दे रहे हैं और सब बच्चों को हम रिफ्रेशमेंट भी डेली दे रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से और बच्चों को विभाग की ओर से सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुनैना गुप्ता है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा हूँ। हमारे यहाँ पर खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से जिला खेल अधिकारी राम निवास दश की देख रेख में और जिला संयोजिका रेखा सरीन की देख रेख में हमारे यहाँ SC हॉस्टल में 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी शुरुआत 5 जुलाई से हुई थी और आज 14 तारीख को इसका सम्मान समारोह चल रहा है जिसमें हम सभी ने जो 10 दिनों में यहाँ पर कार्यशाला में सीखा उसकी रंगारंग कार्यक्रम अंदर हॉल में चल रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने सामुदायिक गायन, हरियाणवी लोकगीत, वेस्टर्न और भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियों को हमने इंजॉय किया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ऐसा जो सरकार का प्रयास है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सिखाने का, उससे युवाओं को बेहतर ही कल का भविष्य उनका रंगारंग होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं GMN कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और हम यहाँ एक 10 दिन की वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं जिसमें हमें हरियाणवी डांस और भांगड़ा और संस्कृति कल्चर से रिलेटेड डांस वगैरह सिखाया जा रहा है जो कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और यह हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है। इसमें हमें रेखा सरीन मैम के द्वारा यहाँ पे हमें मतलब निर्देशित किया जा रहा है और जिसे हमें सीख के मतलब अपने आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा वो मिलने वाला है। थैंक यू। मैं जिला खेल अधिकारी राम निवास अम्बाला। ये हमारी 10 दिन की सांस्कृतिक कार्यशाला है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से 10 दिन के लिए चलाई गई 5 तारीख से लेकर आज तक। इसमें लगभग 55 हमारे उभरते हुए बच्चे आगे आए। सरकार ने ये स्कीम चलाई है जो प्रतिभा छिपी हुई है उसको ऐसे स्टेज दी जाएं ताकि वो उभर कर आगे आएं, अपनी कला का, डांस का, गीत का, नाटक का आदि जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है उनमें बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लें
और अपनी कला में निखार लाएं। हमारी मैडम है रेखा सरीन, जो कि बहुत बड़ी कलाकार हैं, उनके माध्यम से। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।